हेलो, नमस्कार सभी को। इस वीडियो को मैं पहले आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि सिलेबस के बारे में जानता है लेकिन डीप सिलेबस क्या क्या होता है GS1 में, GS2 में, GS3 में, GS4 में, अगर आपको ये नहीं पता है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा GS 1, 2, 3, 4 में क्या क्या है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे प्रीलिम्स के डीप सिलेबस का, कंप्लीट प्रीलिम्स में क्या क्या सिलेबस है उसका भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप चाहेंगे तो वो भी देख सकते हैं, मैं देख सकते हैं। हमने प्री प्लस GS 1, 2, 4 लिखा है तो प्री का लिंक आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो प्री का वीडियो का लिंक डाल दिया है। GS 1, 2, 4 इसमें हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्यों जानना ज़रूरी है, बहुत से बच्चे जब कोई स्पेशली करंट अफेयर के साथ ये चीज़ होती है, क्योंकि स्टैटिक के साथ हमको बुक कहीं ना कहीं सुनी होती है, मैक्सिमम लोग कॉमन बुक्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर के साथ ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक आता है ये टॉपिक नहीं आता है, ये हमारे सिलेबस में है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस को कहते ना कम्प्लीटली वाइप आउट कर देना है, कम्प्लीटली वॉश आउट कर देना है। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, उसके लिए आपको काम ये करना है कि आपको जो भी ये सिलेबस, अगर आप कहेंगे तो एक PPT भी इसमें अटैच कर देंगे जिसको आप डाउनलोड करके जो है अपने पास प्रिंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहां आप बैठते हैं, किसी भी स्थान पे जहां पे आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, वहां पे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्री का सिलेबस सामने होना चाहिए, मेंस का GS 1, 2, 3, 4, ऑप्शनल का भी, ऑप्शनल क्योंकि तमाम ऑप्शन है, कौन सा आपका ऑप्शन है सबका मैं नहीं जो है उसको ऑब्वियसली बना सकता, तो इसलिए मैंने GS कवर कर लिया है। अगर ऑप्शनल में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप ऑप्शनल का बताएंगे तो आपका ऑप्शनल का जो जो चीज़ भी हो सकता है वो आपको बता दिया जाएगा। तो लगी यहाँ पे जो मेन बात है जिसको आपको समझना है कि ये सिलेबस आपको एसेंशियल है जानना और आपके सामने है, इसलिए आप क्या होगा कोई भी टॉपिक है, कहीं आप स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमेशा आपको ये पता रहेगा, क्योंकि आप इतने बार दिन में देखेंगे अपने सिलेबस को कि ये है या नहीं है। अभी आपको लगेगा कि ये बहुत लंबा है, कैसे संभव है सब याद होना, लेकिन स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो GS1 की बात करें तो GS1 में देखिए यहाँ पे आपको टॉपिक्स को देखना है और उन टॉपिक्स को देख के ये समझना है कि अगर इन टॉपिक्स के अंदर की कोई चीज़, जैसे आप बात कर रहे हैं हम इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है, कोई न्यूज़ है, कोई आर्टिकल है या स्टैटिक पोर्शन में भी कोई चीज़ है, तो फिर आपको पता लगेगा कि नहीं यार ये तो डायरेक्टली हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, इसको हमको छोड़ना नहीं है। इसी तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड और फिर सोसाइटी, ये चीज़ें आपको क्या बताती हैं, जैसे बहुत से लोग कन्फ्यूजन है ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, हिस्ट्री में कल्चर है तो कल्चर का क्या पार्ट है, तो यार देखिए साफ साफ मेंशन्ड है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, जो डायरेक्टली मेंशन्ड है वो तो ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ है कि UPSC खुद बता रहा है कि भाई ये चीज़ तो इंक्लूडेड है ही है, इसको तो आप छोड़ भी नहीं सकते, मतलब वो आपके ऊपर है, लेकिन ये सिलेबस का पार्ट है, ये इससे क्लियर हो जाता है। तो ये टॉपिक पता है आपको लगेगा, कह रही है ऐसा तो हमको पता है सर मैम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप डीप स्टडी में जाते हैं ना तो तब अगर कन्फ्यूजन होता है कि ये है कि नहीं है तो बहुत बड़ा पेन हो जाता है। तो इट्स बेटर कि इन चीज़ों को हम अपने सामने लिख के या प्रिंट आउट निकाल के या इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेके या जैसे भी आपको चाहिए, आप कहेंगे आपको मेल भी कर देंगे, लेकिन आप अपने सामने इसको प्रिंट आउट करके रख लीजिए, वर्ड में कहेंगे वर्ड की फाइल आपको मिल जाएगी, लेकिन आप अपने सामने रखेंगे प्रिंट आउट करके, GS1 का अलग, प्री का पूरा अलग, GS1 अलग, GS2, GS3, GS4 और उसके बाद ऑप्शनल, सारे आपके सामने होना चाहिए। अगर जहां आप बैठ के पढ़ते हैं उसके सामने, मतलब आपके आगे टेबल के आगे दीवार अगर है तो दीवार पे आप इतना बड़ा कोई जो है वो लगा सकते हैं, जो ब्लू कलर बोर्ड जिस पे आप पिन अप कर सकते हैं अपने सिलेबस को, तो वो सिलेबस हमेशा आपके सामने रहेगा। जैसे रिकमेंडेड होता है कि ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में आपके सामने मैप होना चाहिए, तो इस तरीके से आपके सामने सिलेबस
थ्रू आउट योर जर्नी एंड प्रिपरेशन आपके सामने होना चाहिए। अब हिस्ट्री में और आगे बात करें GS1 की, तो देखिए सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म, आर्ट फॉर्म, देखिए आर्ट फॉर्म अगर मेंशनड है तो इसका मतलब है कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, एंशिएंट भी एंड मॉडर्न भी। तो ये चीजें आपको क्या, ये चीजें आपके पास क्या 99.99% जो एस्पिरेंट्स हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं प्रॉपरली, देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये होता है। लेकिन ये कहाँ, ये बुक में दबा होके रखा रहता है। जब हम कहीं फंसते हैं तब हम खोल के देखते हैं। अगर हमारे सामने ये चीज़ रहेगी, प्रिंटआउट निकाल के हम रखे रहेंगे, तो हम फंसेंगे नहीं, टाइम भी सेव होगा और हम कॉन्फिडेंट होंगे कि क्या क्या सिलेबस में और क्या क्या मैंने प्रिपेयर कर लिया है। हिस्ट्री, ये मिड 18th सेंचुरी, प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, तो जो भी जैसे हम लोग कोई भी इवेंट की बात करते हैं ना कि वहाँ पे चोरी चोर हुआ था, डांडी मार्च हुआ था, कोई भी चीज़, तो कहने का मतलब है कि उस मिड 18th सेंचुरीज के जो हिस्ट्री हो गया, पर्सनालिटीज, इश्यूज, ये देखिए कि आखिर इतना ज़्यादा जो फेमाइन आ रहा था, इतना ज़्यादा जो हमारी जो पूरा इकॉनमी थी वो हिल गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट इतना रेज हो गया था, बहुत सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे, देखिए कुछ हिस्ट्री के इश्यूज है, कुछ मैं सोशल इश्यूज, मैं आपको एक सोचने का तरीका बता रहा हूं, कनेक्ट करने का एक तरीका बता रहा हूं। फ्रीडम स्ट्रगल किस किस स्टेजेस पे, कैसे कैसे, कि 1900 से पहले, 1905 के बाद क्या हुआ, 1915 के बाद क्या हुआ, किस तरीके से अलग अलग स्टेप में, जब गांधी जी मेन फ्रेम में आ गए तो किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई, ये चीज़ें आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ जिससे आप समझें कि मैं बोलने का प्रयास क्या कर रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो जैसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई पूछे कि जब फ्रीडम स्ट्रगल में साउथ में क्या हो रहा था, नॉर्थ में क्या हो रहा था, और या तो सीधे पूछ ले कि भैया राजस्थान में क्या चल रहा था, राजस्थान में क्या चल रहा था, यूपी में क्या चल रहा था, तो इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो हमको पता होगा। कोई हमने वाले न्यूज़ देखा, उस न्यूज़ में कोई फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो रही थी उस समय के, कोई किसी वजह से वो न्यूज़ में आया, तो हमको ये पता रहेगा कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात हो रही है, फॉर एग्जांपल यूपी के ही बारे में बात हो रही है कि यूपी में किस तरीके से क्या एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो जब आपको पता रहेगा कि यस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली मैंशनड है, तो आप ध्यान देंगे, आप उसको नहीं छोड़ेंगे। यही चीज आपको समझना है और इन चीज पे आपको फोकस करना है। देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस किस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या, किस तरीके से उन्होंने जो है सारा चीज जो है उस समय एक्टिविटीज करी, सारे फंक्शंस किए, तो इस तरीके से आपका इसमें क्या होगा, पर्सनालिटी भी कवर होगा, इश्यूज भी कवर होंगे, रीऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की क्या हालत थी, क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, क्या इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था। तो यहां पे मैं सिर्फ GS1 तक रिस्ट्रिक्ट करके आपको नहीं समझा रहा हूं, यहां मैं GS1 का सिलेबस तो आपको दिखा ही रहा हूं, मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि किस तरीके से, अगर हो सकता है कोई ऐसे भी बच्चे देख रहे हो जिन बच्चों ने अभी अपनी तैयारी जस्ट शुरू करी है या प्लान कर रहे हैं शुरू करने का, उनको जानने का मन है कि GS का क्या सिलेबस होता है, तो यस ये सिलेबस होता है, डीकोड कैसे करना है उसको भी मैं साथ में आपको प्रयास कर रहा हूँ कि बताते चलूँ। 18th सेंचुरी इवेंट्स का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, रीडाउन बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो है, वर्ल्ड वॉर जो है एक तरीके से बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल आपका एक कहते हैं ना एक चेंज लेके आ रहा था बहुत सारी कंट्री में थ्रू आउट द वर्ल्ड, बहुत सारे कोलोनाइजेशन डीकोलोनाइजेशन जो है उसकी वजह से हो रहे थे, और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल फिलॉसफीज है कहना कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड उनके क्या इफेक्ट है सोसाइटी पे। तो देखिए यहाँ पे हम सिर्फ हिस्ट्री तक या कहीं रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये कंप्लीट आपका GS1 का सिलेबस है, तो GS1 का सिलेबस एक साथ होना चाहिए, GS2 अलग होगा, GS1 अलग होगा, GS3 अलग होगा, GS4 अलग होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सी चीजें, बहुत लोग कहेंगे अरे प्री का तो बहुत ओवरलैपिंग है, हम प्री की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, मेंस की कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन प्री का सिलेबस आपके सामने रहेगा तो कोई दिक्कत है ना है? नहीं है तो फिर रख लीजिए सामने, आप एटलीस्ट सॉलिडिफाई कर लेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी राइट डायरेक्शन में है, एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पढ़ाई ऐसी है कि सर एंड मैम आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे, कन्फ्यूजन्स, केओस,
ये आपके सामने होगा कि किस तरीके से हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि चार चीज छूट जा रही है, हम समय किसी चीज पे ज्यादा दे रहे हैं। वो डायरेक्टली मेंशनड है तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं मेंशनड है तो भी ठीक है, हमको देखना है किस तरीके से। लेकिन जो मेंशनड है वो तो देखना ही देखना है। सेलियंट फ्यूचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी किस तरीके से इवॉल्व करते आई, किस तरीके से परसेप्शन, किस तरीके से एटीट्यूड, किस तरीके से हम सारे के सारे इकट्ठे हुए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल उस समय से जो है चला आ रहा है। तो उस चीज़ों को भी आपको ऑब्जर्व करना है, समझना है कि यस हम जब एग्जैक्टली जब साथ में आए किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई, किस तरीके से जो ब्रिटिश रिजीम था उसको जो है शेक करना पड़ा, किस बहुत सारी चीज़ें। जब आप मैं आपको यहाँ पे जो जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ बस इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको इन चीज़ों को डिकोड करना है तो आपको दिक्कत ना हो। ये सारी लाइंस आपके सामने होनी चाहिए। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेके, बहुत सारे क्योंकि स्लाइड्स हैं इसमें, दिक्कत है, ये वीडियो भी लंबी होगी। हाँ लंबी होगी इसलिए क्योंकि शॉर्ट वीडियो देख के आपको सिलेबस तो शॉर्ट नहीं चलेगा, सिलेबस तो आपको पूरा ही चलेगा। तो पूरे सिलेबस GS 1-4 अगर बताना है तो पक्का वीडियो तो लॉन्ग होनी होनी है। इसका आपको वर्ड में चाहिए वर्ड में ही मिल जाएगा, बट अपने सामने प्रिंट करके जरूर रखिए, एसेंशियल है। डाइवर्सिटी देखिए, अभी हम बात कर रहे थे डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन इंडिया, रोल ऑफ वुमेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन्स लाइक जैसे एनी बेसेंट जी का एग्जाम्पल ले रहा, बहुत सारे वुमेन्स हैं जिन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। तो आप एनी बेसेंट ले लीजिए, बीका जी कामा ले लीजिए, बहुत सारे वुमेन्स हैं। मैं एक जस्ट आपके सामने एक दो एग्जाम्पल इसलिए रख रहा हूँ कि आप समझ सकें कि इन चीज़ों को हमको समझना कैसे है। अगर आप वुमेन्स का कोई रोल देख रहे हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं, तो आज के सोसाइटी में भी अगर कोई ऐसे आता है, इन टूडेज वर्ल्ड हाउ कैन यू सो दैट वुमेन कैन एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द इकॉनमी इन ईच एंड एवरी पर्टिकुलर स्फेयर ऑफ आवर लाइफ या ऑफ आर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आप पहले का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पहले वुमेन्स भी उस समय एनलाइटेड हो गए, कितने वुमेन्स ने स्टडीज़ हैं, इंग्लिश है, बहुत सारी चीज़ों पे मनाई थी। आपके एनसीईआरटी में भी ये मेंशन्ड है कि उनको इंग्लिश नहीं पढ़ने दिया जाता था, उनको संस्कृत नहीं पढ़ने दिया। तो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जब सुनेंगे समझेंगे तो आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि उस समय ये स्टेटस था, आज का ये स्टेटस है, इतना डेवलपमेंट हुआ, इस तरीके से चीज़ें आई हैं, पार्टिसिपेशन कितना बड़ा है कितना घटा है अलग अलग स्फेयर्स में, यू कैन कोट इट। तो कौन सी चीज कहां काम आ जाएगी नहीं पता, हमको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ सिलेबस, पढ़ाई, नोट्स सब बनाने हैं। हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, बीइंग अगर आप फ्यूचर ऑफिसर्स हैं तो आपको मल्टी डायमेंशनल की तरह से चलना पड़ेगा। कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, बट यस किसी भी अप्रोच का कई डायमेंशन होते हैं, उन सारे डायमेंशन को हमको लेकर चलना है और जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है उसको डिस्कस करना है। अगर हम एस की बात करते हैं, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशूज़, उसमें कि क्या है, बहुत बड़ा इशूज़ था क्या, एम्प्लॉयमेंट इशूज़ था, बहुत बड़ा इशूज़ था एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशूज़ था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखना है, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इशूज़, अर्बनाइजेशन, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या रेमेडीज, ग्लोबलाइजेशन, हमारी क्या थी इकॉनमी, हम एक तरीके से पहले क्लोज्ड इकॉनमी, क्लोज डोर पे थे, दरवाजे हमने बंद कर रखे थे कि भैया जो है हमारा, हम सारी चीज़ें अपने हिसाब से धीरे 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 कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, जब 1991 की जब पॉलिसी आई तब LPG आया, LPG के बाद हमने क्या करे, अपने दीवार, अपने जो है डोर्स खोल दिए कि आइए हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करिए, कंपनी सेटअप करिए और काम करिए। तो ये चीज़ें आपको, चीज़ों को समझना है उस समय, इंडिपेंडेंस से पहले भी एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सारी चीज़ें आपके GS 1 में मैंशनड हैं। आपको इन सारी चीज़ों को देखना है, समझना है। देखने में ये छोटा लग रही है लेकिन ऐसा है नहीं, एक एक ऐसे ऐसे टॉपिक है जिसमें 100-100, 200-200, 300-300, 400-400 पेजेस की बुक्स भी हैं जिसको आपको पढ़ना पड़ सकता है अगर आप रेफरल के लिए देखना चाहते हैं तो। इट्स बेटर लिमिटेड सोर्स के अंदर अच्छे से इसमें काम करें। फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, तो कहीं पे भी आप देखेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी की बात हो रही है तो जब यहाँ वर्ल्ड लिखा है तो पूरे संसार की फिजिकल ज्योग्राफी में कहीं पे भी कोई चीज़ न्यूज़ में है, कोई टॉपिक है ऐसा,
कि आपको डिस्कस कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ देखना है, आपके सिलेबस मेंशन है। नेचुरल रिसोर्सेज कितनी बार आ जाते हैं कि भैया ये रिसोर्सेज, ये मिनरल कहाँ मिलता है, इसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा माइनिंग कहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, रिसोर्सेज कहाँ अवेलेबल हैं, इन टाइप की चीज़ों में देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में, साउथ एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जब वर्ल्ड लिख दिया तो सभी चीज़ सारी चीज़ें पढ़ रहा है हमको। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अगर मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर कोई कहता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री यहाँ बहुत डेवलप्ड है, तो इसका मतलब एग्रीकल्चर डेवलप्ड है वहाँ पे, तो एग्रीकल्चर डेवलप्ड है तो नंबर ऑफ पीपल जो एम्प्लॉयड होंगे एग्रीकल्चर वो भी हायर होंगे। तो उसी तरीके से अब लेबर इंटेंसिव कैपिटल, लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है वो डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें, प्राइमरी इंडस्ट्री उस एरिया में कितने डेवलप्ड हैं, सेकेंडरी कितने डेवलप, जैसे मान लीजिए कहीं पे भी अगर अगर जैसे शुगर इंडस्ट्री है तो शुगर इंडस्ट्री के पास डेफिनेटली कहीं ना कहीं आसपास कुछ दूर में एग्रीकल्चर फील्ड्स होंगे जहाँ से उनको इनपुट मिल पाता है, जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रेजेंट हैं, तो उससे उनको जो है कहीं ना कहीं मिलेगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ पे, वो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करती हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करती हैं। किस तरीके का उनको एनवायरनमेंट मिल रहा है, किस तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रही है, किस तरीके का उनको ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स मिल रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं। और उन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जो लोकेशन है कहीं ना कहीं उसका पार्ट बनती हैं, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो। भाई प्राइमरी के लिए तो भी आपको बढ़िया सॉइल चाहिए, अच्छी इरीगेशन की फैसिलिटी चाहिए, वेदर चाहिए, उस वेदर के हिसाब से आपको सॉइल सारी चीज़ें सपोर्ट चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ों को इस तरीके से समझना है। जियोफिजिकल फिनोमेना जैसे अर्थक्वेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुनामी, वोल्केनो, साइक्लोन्स, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी पेपर उठा के देख लेंगे कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ मिल जाएगी प्रीलिम्स में। जोग्राफिकल फीचर्स, लोकेशंस, क्रिटिकल जोग्राफी जैसे लोकेशंस हैं यहाँ पे आपको मैपिंग भी कवर करनी है। फ्लोरा की बात करें, पर्टिकुलर फ्लोरा वहाँ क्या है, फौना क्या है, क्या चेंजेस इफेक्ट्स, चेंजेस इफेक्ट्स में आज की डेट में जितना एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है, जैसे पोल्यूशन की बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें पूरे संसार को फैलाया हुआ है पोल्यूशन, तब भी हम लोग नहीं बाज आते हैं कि नहीं भैया प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, बहुत से लोग तब भी अवॉइड नहीं करते हैं, बहुत से लोग उसके बाद भी पोल्यूशन की एक्टिविटी है उसको जो है स्टॉप नहीं कर रहे हैं 100%। तो उसको हमको स्टॉप करना है क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है, वर्ल्ड का बहुत सारी चीज़ें हैं इम्पैक्ट हो रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है। तो जो हमने GS1 में डिस्कस किया वो GS1 तक था, अब हम आ गए हैं GS2 में। GS2 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ गवर्नेंस सेपरेटली दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेटली दिया है, पॉलिटी सेपरेटली दिया है, सोशल जस्टिस सेपरेटली दिया है, एंड IR जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में किसी पर्टिकुलर कंट्री का ऐसी कोई चीज़ एक्टिविटी चली है जिसको इंडिया को या वर्ल्ड को इफेक्ट नहीं करेगा, तो उस चीज़ को हम चाहें तो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। बट येस, अगर कोई चीज़ हमारे कंट्री को इफेक्ट कर रही है या पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर रही है लार्ज स्केल, इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं वर्ल्ड को लार्ज स्केल पे, जैसे इस समय जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो एक्टिविटीज चल रही हैं वो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर रही हैं, तो इसलिए उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। सवाल डायरेक्टली पूछे इनडायरेक्टली पड़े, बट वी शुड बी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स। तो ये गवर्नेंस की बात हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये कई वर्ड्स ऐसे हैं जो लगता है कि अरे एक ही जैसे हैं, लेकिन एक जैसे नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि कितने उसमें डिफरेंसेस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इवेंट्स हैं, जो भी इवेंट्स होते गए हैं, कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कैसे कैसे इलेक्शन हुआ, किस तरीके चीज़ें इवॉल्व हुई, वो सारे उसके फीचर्स क्या क्या हैं, अमेंडमेंट्स, प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, कंपेरिजन अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद अदर कंट्रीज हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोर देन 60 कॉन्स्टिट्यूशन से देख के जो है उसके हिसाब से सबके जो प्रोस थे उसको देखते हुए, इंडियन सूटेबिलिटी को देखते हुए जो है बनाया गया है। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ डायरेक्टली मेंशन है। फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स
इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर. तो फंक्शन क्या, फंक्शन है क्या, जिम्मेदारियां हैं स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, फेडरल स्ट्रक्चर के चैलेंजेस क्या हैं. तो मैं बार बार आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं समझा दूंगा, कोई एक मिनट का वीडियो देखेगा, कोई पाँच मिनट का, कोई हो सकता है पूरा देखे. इस वीडियो का एक सेकंड भी तभी आपके यूज़ में है जब आप इन चीज़ों को लागू करेंगे. आप कहीं से भी, अगर आपका सिलेबस है आप उसी सिलेबस को प्रिंट करके, क्योंकि ये जो सिलेबस है, कहीं मैंने अपना सिलेबस तो बनाया नहीं है, ये UPSC द्वारा दिया हुआ सिलेबस है. तो आप कहीं से भी सिलेबस लें, उस सिलेबस को लेके अपने सामने ज़रूर रखें. वो आपको हमेशा हर दिन मदद करेगा, हर दिन मदद करेगा जब ये चीज़ सामने रहेगी. डिवोल्यूशन ऑफ पावर, फाइनेंस टू लोकल लेवल्स. अब यहाँ लोकल लेवल की हम बात कर रहे हैं तो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की याद आती है हमको. हमको जैसे पंचायत है, म्यूनसिपालिटी, उसकी याद आती है, उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं. सेपरेशन ऑफ पावर डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, लेजिस्लेचर क्या करेगा, जुडिशरी क्या करेगा. तो इस पे सब पे एक सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ पावर है, सबका एक अपना अपना डोमेन है, उस डोमेन के अंदर सब काम करते हैं और इक्वली पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. अगर कोई डिस्प्यूट है तो किस तरीके से रिड्रेसल उसका जो है निवारण होगा, किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे. यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग, उसके किस तरीके से बिजनेस कंडक्ट होंगे, पावर ऑफ प्रिविलेजेस किस तरीके से दिए रहेंगे, और जब कहीं पे भी एक से ज़्यादा चीज़ है तो इश्यूज हो सकते हैं. तो इश्यूज अगर हैं तो किस तरीके से इश्यूज को, आप पानी ले लीजिए या कोई भी चीज़ ले लीजिए, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कि इश्यूज होते हैं, स्लोली एंड स्लोली स्टेडली वो चीज़ रिजॉल्व होती है. तो उसका एक अपना प्रोसीजर होता है. एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, उनकी फंक्शन, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, है ना. कौन सी मिनिस्ट्री से ये पूछा जा सकता है कि भाई कोई कमेटी है तो, या कोई कोई भी ऐसी मिनिस्ट्री के अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो ये किसके अंडर में आता है. ये तो ये सारी चीज़ें इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्री में आ जाते हैं. ग्रुप्स बनते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, एसोसिएशंस बनते हैं, उनकी क्या रोल है पॉलिटी का. तो ग्रुप्स हैं, जैसे मान लीजिए सरकार कोई ऐसी निर्णय लेता है, ऐसा कोई डिसीजन लेता है जो कि वेलकम्ड नहीं है बाय पब्लिक, वो ग्रुप को लगता है कि नहीं ये गलत है, तो वो ग्रुप क्या करेगा, वो ग्रुप फिर सरकार के सामने अपनी चीज़ें रखेगा, वो अपने लेटर पेश करेगा, वो हो सकता है कि साइलेंटली एंड पीसफुली प्रोटेस्ट करे, मीडिया के सामने चीज़ें रखे कि भाई देखिए सरकार का डिसीजन है ये, हम वेलकम नहीं करते हैं, इसका ये रीज़न है. तो इसलिए देखिए ये चीज़ें आप अपने NCERT में भी देखेंगे, ये सोशल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में अपने देखेंगे और आपको ये चीज़ एज अ IAS एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए. आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अलग अलग जो संवैधानिक जो पोस्ट हैं उसमें किस तरीके से अपॉइंटमेंट्स होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उनकी क्या क्या पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, जिम्मेदारियां क्या क्या हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, वो आपको पता होना चाहिए. किसी भी बॉडी का मेंशन अगर संविधान के अंदर है तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो आपको देखिए ये चीज़ें जैसे ना, अगर आप एक एक लाइन इसका इस वीडियो में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो वो मजाक नहीं है, वो आपके काम के लिए है. अगर इस लाइन को आप जानेंगे कि अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो अगर आप कल के देखेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए इनको अपॉइंट किया गया, तो इसका मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन इसमें न्यूज़ में है, उसके बारे में आप जानना शुरू करेंगे, किस बिहाफ पर अपॉइंटमेंट हुआ उसकी बात होगी, जो अपॉइंटमेंट हुआ उनकी क्या क्वालिफिकेशन है वो भी जानेंगे. तो इसी तरीके से चक्का घूमता है. आप सिर्फ अपने आप को बांध के बुक में ही रख के UPSC की तैयारी करना थोड़ा चैलेंजिंग है. आपको अपने आसपास अवेयरनेस रखना पड़ेगा. अवेयरनेस क्या है, वही जो हम करंट अफेयर बोलते हैं, कुछ नहीं है, अवेयरनेस है. अगर हमारे राज्यसभा में, हमारे लोकसभा में कोई चीज़ डिस्कस हो रही है, हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए किसी बिल के बारे में, कोई बिल आ रहा है या कोई भी चीज़ है जिसके बारे में, कोई अमेंडमेंट के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो हमको पता होना चाहिए. पीछे अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन रहा है सुप्रीम कोर्ट का, तो हमको पता होना चाहिए. हमारे संविधान के बारे में हमको पता होना चाहिए. यही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि किस किस तरीके से. देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी है ना,
स्टैट्यूटरी बॉडी, बॉडी जो है स्टैट्यूट के थ्रू जो बॉडीज बनती है, रेगुलेटरी बॉडी, वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो देखिए ये अलग लिए, ऊपर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात हुई थी, नीचे स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड अदर क्वासी जुडिशियल बॉडी की बात हुई। देखिए ये चीज़ें आपको नोट करके अपने पास रखेंगे तो ही काम का है, नहीं तो फिर तो वही है आम एक वीडियो जैसे आप देखते हैं या रील्स या शॉर्ट्स देखते हैं, उसी तरीके से ये भी वीडियो है, एक आध मिनट देखा बंद कर दिया। गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन, डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर, इश्यूज अराइजिंग आउट द, जैसे इसमें क्या है, अगर मान लीजिए आपसे पूछे गतिशक्ति, गतिशक्ति भारतमाला, भारतमाला प्रोजेक्ट चैलेंजेस, तो भारतमाला प्रोजेक्ट की बात हो रही है सर, सर एंड मैम, भारतमाला प्रोजेक्ट जो कि 550 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने की बात हो रही है, इकोनॉमिक जोन, फाइनेंशियल जोन्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, वेयरहाउसिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सोचिए पूरा 550 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करके ये लेके आना, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। यहाँ हम डेवलपमेंट की यहाँ बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में अगर हमको नहीं पता होगा कि भाई भारतमाला क्या है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उनका क्या डिज़ाइन है, किस डिज़ाइन पे वो फ्रेम किया जा रहा है, कि भाई हो सकता है वहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा 200 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत है, तो हो सकता है 100 किलोमीटर के बाद वेयरहाउसिंग फैसिलिटी होगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी होगी, कि अगर उनको ज़रूरत हो रही है, हो सकता है 50 किलोमीटर बाद हो, या हो सकता है वहीं पे हो जहाँ पे एग्रीकल्चर है। तो इस तरीके से आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सोचने का तरीका बस बता रहा हूँ। लोग ये बता देंगे आपको कि क्या पढ़ना है और बाकी क्या क्या चीज़ें किस तरीके से देखनी है, मैं यहाँ ये प्रयास कर रहा हूँ बताने का। देखिए इंडस्ट्री में एनजीओ का क्या रोल है, एसएसजी, देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, मैंने बोला था यहाँ लिखा सेल्फ हेल्प ग्रुप लिखा है, तो अलग अलग एसोसिएशंस, ग्रुप्स, डोनर, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशन, अदर स्टेक होल्डर्स, कोई वेलफेयर स्कीम जो है, जैसे आयुष्मान भारत योजना, तो आप इमेजिन कर सकते हैं आयुष्मान भारत योजना क्या योजना है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें, आयुष्मान भारत योजना की बात करें, एक कॉमन पर्सन, एक कॉमन जो पर्सन है इस कंट्री का, उसमें जो भी सरकार द्वारा जो सेलेक्टेड जो लोग हैं उनको 5 लाख तक का बेनिफिट जो है, फ्री इलाज एक तरीके से आप उसको सीधे कह सकते हैं कि दे रही है, तो उसके पावर में, उसके पॉकेट में कितनी पावर है कि वो किसी प्राइवेट संस्था जो कि आयुष्मान भारत द्वारा एसोसिएटेड है वहाँ जाके अपना इलाज करा सकता है, कितनी बड़ी वेलफेयर स्कीम है सेंटर द्वारा। इसी तरीके से तमाम अलग अलग स्टेट्स की स्कीम्स होती हैं, उनकी अपनी अपनी परफॉर्मेंस होती हैं, इसे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई वो स्टेट कैसा स्वच्छ भारत अभियान है, वो स्टेट कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा डेवलप कर रहा है, तो बहुत सारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो किस कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा PDS है, सबसे ज़्यादा जो है राशन दिए गए, सबसे ज़्यादा जो है राशन कार्ड होल्डर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस पर आप क्या बोलते हैं सोचा जा सकता है, इस पर समझा जा सकता है, और बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए क्या स्टेप लिया जा रहा है, सेंटर क्या क्या ले रही है, विभिन्न स्टेट्स क्या क्या ले रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर हमको आइडिया होना चाहिए। सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ में जैसे हमने आयुष्मान भारत बात करा, एजुकेशन न्यू जो अपनी NEP है उसके बारे में बात करिए, ह्यूमन रिसोर्स इशू है, तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए सबसे बड़ा इशू क्या था, स्किल, उसके लिए क्या आया, स्किल इंडिया, उसके लिए हमारा स्किल इंडिया आया। तो आप कुछ भी पढ़ें, क्या पढ़ें, अगर आपको स्किल की एक्वायर करना है आप स्किल इंडिया के अंदर एनरोल करके आप स्किल अपना डेवलप कर सकते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी अपनी बढ़ा सकते हैं। पॉवर्टी एंड हंगर इश्यूज, इसके लिए अलग अलग रिपोर्ट्स भी, इंडाइसेस भी आते हैं, वो भी अपने को जो है पता होनी चाहिए कि अलग अलग जो है कुछ किस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं, हंगर को किस तरीके से इरेडिकेट कर रहे हैं, पॉवर्टी को किस तरीके से इरेडिकेट कर रहे हैं, ये चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। तो गवर्नेंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं गवर्नेंस के, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी एक ऐसी चीज़ है कि आज की डेट में गवर्नमेंट भी ट्राई करती है कि गवर्नमेंट का अगर कोई स्टेप हो रहा है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उसकी जो अवेयरनेस है वो भी पब्लिक तक जाए,
जो एक्टिविटीज़ हो रही है वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक तक जाए, इसके लिए चाहे मीडिया हो, गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, टाइम टू टाइम जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। ई गवर्नेंस के बारे में आपको जानना है, सिटीजन चार्टर्स के बारे में जानना है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, जैसे जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं कि एक सिविल सर्वेंट आपको बनना है, तो सिविल सर्विसेज का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, किस तरीके से सिविल सर्विसेज को बोला जाता है कि वो स्टील फ्रेम है, तो किस तरीके से है, अगर आपको उसके बारे में डिस्कस करना हो तो आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो मैंने देखिए शुरू में ही आपको चीज बताया था कि आईआर एक ऐसी चीज है कि इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत बड़ी हैं। यू कांट लिमिट इंटरनेशनल रिलेशंस इनटू योर पॉकेट। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कंसंट्रेट ईदर ऑन योर सिलेबस एंड व्हाट एल्स यू कैन डू इज प्लस व्हाट यू कैन डू इज व्हाटएवर एक्टिविटी इज अफेक्टिंग योर कंट्री और थ्रू आउट वर्ल्ड इज द टॉपिक फॉर यू। एक तरीके से अगर नेटशेल में बात करें तो दिस इज समथिंग विच यू शुड नो एंड अकॉर्डिंगली यू शुड गो हेड। तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, डेफिनेटली दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया और इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं वो सारे, उनकी क्या रिलेशंस हैं, क्या बैकग्राउंड रहा है, हमारे क्या पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, किस तरीके से हम एक दूसरे को फेवर करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें जो वो हमको एक्सपोर्ट करते हैं, FDI, ट्रेड, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको पता होनी चाहिए। हमारे जो बायलेटरल रिलेशंस कैसे हैं, रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स में कौन कौन से ऐसी ग्लोबल ग्रुपिंग्स हैं जिसमें वो हमारे साथ हैं, और भी जो ग्लोबल ग्रुपिंग्स हैं जिसमें हम हैं, और भी हमारे साथ जो कंट्रीज हैं, और भी ऐसी ग्रुपिंग्स हैं जिसमें हम नहीं हैं, लेकिन वो चीज़ हमको उसके बारे में आइडिया होनी चाहिए, और जिसमें हम हैं वो तो डेफिनेटली दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है जिसको इंडिया को इन्वॉल्व कर रहा है या इंडिया को अफेक्ट कर रहा है, देखिए आपके सिलेबस में चीज़ मैंशनड है, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं इंडिया के ऊपर कोई इफेक्ट है, तो वो चीज़ आपको सिलेबस प्लस वो चीज़ उस कंट्री के, अपने कंट्री के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, वो चीज़ में उस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको जानना ज़रूरी है। तो कोई पॉलिसी है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी क्या एक्टिविटीज हैं, किस तरीके से किस बेसिस पे कितना उनकी GDP है, कितना उनका एग्जैक्टली किस बेसिस पे उनको हम डेवलप्ड कंट्री इज कॉल्ड एज डेवलप्ड कंट्री, वाई, ऑन वॉट बेसिस इट्स कॉल्ड एज ए डेवलप्ड कंट्री। तो ये चीज़ें, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए। आप IR पढ़ेंगे, देखिए बहुत सारे सिलेबस हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इकोनॉमिक्स में इंटरकनेक्टेड है, इकोनॉमिक्स की बहुत सारी चीज़ें जो पॉलिटी में इंटरकनेक्टेड है, एंड वाइस वर्सा। तो इसी तरीके से IR भी है, वो कहीं ना कहीं आपका एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखता है, कई सिलेबस से जो है ओवरलैपिंग रहती हैं, कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कुछ पार्ट उस टॉपिक का उस सिलेबस में, कुछ पार्ट इस टॉपिक में है, तो उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। कोई भी जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स निकलती हैं, तो वो डेफिनेटली आपके इकोनॉमिक्स में भी आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी मुझे याद है बता रहा हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट है रिपोर्ट्स का, एजेंसीज़ का, उनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या मैंडेट है, तो स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर UN है तो UN में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन किस लेवल पर, तो एक ब्रीफ आपको पता होना चाहिए। किसी भी चीज़ में आपको रिसर्च नहीं करनी है, इस चीज पे यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर, यू डोंट हैव टू रिसर्च ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, इज जस्ट दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, सो दैट इफ अ पर्टिकुलर टॉपिक इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन और योर इंटरव्यू, यू आर एबल टू पास दैट क्वेश्चन इन अ प्रॉपर मैनर, जो उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आप उसको फुलफिल कर लो, दैट इज ओनली मोर देन इनफ। और ऑब्वियसली तभी होगी जब आपको उसकी पर्टिकुलर नॉलेज होगी, तभी आप वो चीज कर पाओगे। तो उस चीज के लिए आपको स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली आपको अपने चीज़ों को डेवलप करना है। GS3 पे हम आ गए हैं, जनरल स्टडीज 3 जिसको बोलते हैं, तो GS3 में टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक हम बोलते हैं ना, तो साइंस अगर प्री में आपको ज़्यादा प्रेवलेंट है तो टेक्नोलॉजी आपका मेंस भी ज़्यादा है। हालांकि ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि
मेंस में है लेकिन वो प्री में भी पूछे जाता है, तो आपको प्रिपेयर थ्रू आउट करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेंशन है, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये आपके जीएस थ्री में। टेक की बात करें तो टेक में आपका चाहे रोबोटिक्स की बात कर लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर लें, तो और आपका नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर लें, सब आपका टेक का पार्ट आता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपका जो इकोनॉमी की हम पूरी बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ जाता है। बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, अलग अलग एजेंसीज है किस तरीके से। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको अपने सिलेबस को समझना कि जो कहीं कहीं बहुत थिन लाइन है, कहीं कहीं बहुत थिन लाइन है कि पता चले ये पॉलिटी है, ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, ये आईआर है, तो थिन लाइन है। कहीं ना कहीं आपको ओवरलैपिंग अगर मिलती है तो उससे परेशान नहीं होना, रिलैक्स होकर आपको पढ़ने से मतलब है, आप पढ़ते चलिए। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको। अब इकॉनमी एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो इकॉनमी एंड एग्रीकल्चर में डेफिनेटली इंडियन इकॉनमी, प्लानिंग किस तरीके से जो प्लानिंग इवॉल्व हुई पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात करें, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किस तरीके से, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हमको पता होना चाहिए ना कि हमारे कंट्री में ये रोजगार का क्या लेवल है। हमको हम अगर एक एस्पायरिंग ऑफिसर हैं कल के डेट के, तो मुझे पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट क्या प्रोसेस चल रहा है, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, रिसोर्सेज का, ग्रोथ का क्या पैमाना है। तो गवर्नमेंट बजटिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट किस चीज़ पे कितने पैसे खर्च करने जा रही है वो हमको पता होना चाहिए। मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या क्या हैं, किस तरीके से इरिगेशन सिस्टम क्या है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की बहुत सालों से बात हो रही है, कहाँ पे किस तरीके से हो पाया है, कैनाल सिस्टम कहाँ पे, राजस्थान में कितना चेंज ला दिया कैनाल सिस्टम ने, पूरे राजस्थान के एग्रीकल्चर को किस तरीके से डेवलप किया, ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। क्या सब्सिडीज़ की बात करें, एमएसपी की बात करें, हमको पता होना चाहिए। स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, ये सारा जो हमारा लॉजिस्टिक्स का पार्ट है, लॉजिस्टिक्स पे हमको पता होना चाहिए। जैसे हमने भारतमाला की भी बात करी, तो भारतमाला में किस तरीके से अगर 550 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे स्टोरेज, कोई भी हम बात कर लें, स्टोरेज की ज़रूरत हर जगह है, ट्रांसपोर्टेशन का, वेयरहाउसिंग की हर जगह। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, पीडीएस की पहले भी हमने बात करी थी कि ये पीडीएस का बहुत बड़ा रोल देखा गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड। कोविड के टाइम पे पीडीएस सिस्टम ने बहुत सारे घरों तक वो अन्य वो फूड वहाँ तक पहुँचाया, वो क्रॉप्स जो है, जो चीज़ें थीं वो बेसिकली कहीं ना कहीं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था, उसका जो चैनल था वो डेवलप हो पाया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उसका बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, कितना बफर स्टॉक रहता है, कैसे रहता है। फूड सिक्योरिटी के लिए रोल ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन फूड सिक्योरिटी ऑफ आर कंट्री, इसका एग्जांपल क्या है, जो अभी मैं बात कर रहा था कोविड-19, वो एक वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल है। पोस्ट इंडिपेंडेंस किस तरीके से हम पहले इंपोर्ट करते थे, फिर उसके बाद हम एक्सपोर्ट करने लग गए, ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरीके से आया, वाइट रेवोल्यूशन किस तरीके से आया, कौन लेके आया, ये सारी चीज़ें आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली पता होना चाहिए। एक दिन में किसी को भी नहीं पता होगा, बट यस वी शुड नो इट, द फास्टर वी नो इट द बेटर इट इज, बट इन द पेस वी शुड नॉट मिस द टेस्ट ऑफ स्टडी। अगर हम वो मिस करेंगे तो हम अपने इस जर्नी को एंजॉय नहीं करेंगे, और फिर पढ़ने को इतना कुछ है कि 300-500 बुक भी आप खरीद के रख लेंगे तो भी आप स्पेशलाइज नहीं कर पाएंगे सारे सब्जेक्ट में। इसीलिए इसको जनरल स्टडीज बोला जाता है, स्पेशलाइज स्टडी आपको नहीं करनी है। तो जनरल स्टडीज के हिसाब से ही अपने आप को डेवलप करना है, अवेयर करना है। ई टेक्नोलॉजी, देखिए ई टेक्नोलॉजी आज के डेट में ड्रोन्स की अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो फार जो हिंटरलैंड एरिया है वहाँ पे भी जाके पेस्टिसाइड्स हैं, मेडिसिन की डिलीवरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिलीवर हो रहा है, जो कि वहाँ से कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स को मार्केट तक भी लाने में यूसेज हो रहा है। प्रोडक्ट को मार्केट में रीच करने के लिए भी उसके ड्रोन्स की जो है यूसेज हो रही है। बहुत समय से न्यूज़ में चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रोडक्ट है मान लीजिए, तो अगर
वो टर्मरिक को मार्केट तक लेके आ रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ई टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेयर हाउसिंग, ई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी वेयर हाउसिंग के साथ साथ लॉजिस्टिक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं कि ई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मान लीजिए कि डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर्स है वो करना है, कुछ भी करना है, कोई एड पहुंचाना है जो फार्मर्स को, सारी चीज़ें पहुंचे, तो ई टेक्नोलॉजी, जैसे आपने सुना, तो ई टेक्नोलॉजी को आपको सिर्फ, ठीक है फार्मर्स आपको कनेक्ट करना है, लेकिन ई टेक से आपको सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी सोचना है कि क्या क्या, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी आपका पार्ट है, टेक्नोलॉजी भी आपके सिलेबस का पार्ट है, तो आपको जैसे यहाँ ड्रोन्स का मैंने एग्जांपल लिया, तो इस तरीके से इंटरकनेक्ट करके मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखना है। फार्म सब्सिडी का क्या क्या जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है इश्यूज है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होती है, उसका क्या इस समय स्टेटस है, और उससे जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उनका स्कोप्स, सिग्निफिकेंस, कौन से ऐसी लोकेशन है जहाँ पे वो ज़्यादा जो है इंक्रीज कर रही हैं, और कौन सी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे स्टिल बहुत ज़्यादा लैक है। सप्लाई चेन की बात करें, लैंड रिफॉर्म्स है हमारे कंट्री का, उसकी बात करें, तो लिबरलाइजेशन ऑफ जो इकोनॉमी था उसका क्या इफेक्ट हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हम लोग ने पहली बात करी किस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जो है इंक्रीज किया, इंफ्रा की बात करते हैं तो इंफ्रा में एनर्जी है, पोर्ट्स है, रोड्स है, एयरपोर्ट है, रेलवेज है, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इंक्रीज हो गए हैं इसे पीछे 3-4-5 सालों में, नंबर ऑफ एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने का, कनेक्टिविटी के टाइम को रिड्यूस करने का, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम को रिड्यूस करने का, और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल होता है हमारी इकोनॉमी में, अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करने का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात कर लें उनको इनकरेज करने का कि आइए हमारे कंट्री में इस तरीके से डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं, इस तरीके से चीज़ें हैं, उसको देख के आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर मिलेगा जिस एटमॉस्फेयर में आप इजीली अपने को ऑपरेट कर सकते हैं, जो इंटरऑपरेबिलिटी है दैट इज़ गुड एंड दैट इज़ इनकरेजिंग, तो वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करता है कि यस वी हैव टू इन्वेस्ट इन दीज कंट्रीज ऑल्सो। साइंस एंड टेक की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एवरीडे जो एप्लीकेशंस हैं उनके क्या इफेक्ट्स हैं, अचीवमेंट्स इंडिया का साइंस में और टेक में, कोई कोई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार, किस तरीके से इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट जो है साइंस एंड टेक में, डेवलपमेंट में उसके लिए के आ रहा है, कोई चीज़ न्यूज़ में है तो उसको हमको पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर की बात करें तो इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, पोल्यूशन को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, करेंट पोल्यूशन लेवल क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है हमारी लाइफ पे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिजास्टर, कोई डिजास्टर जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल साइक्लोन है या कोई भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर है, कोई ऐसी चीज़ है, तो उन डिजास्टर के बारे में भी किस तरीके से केटर करना है, किस तरीके से हम रेडी हैं, हम किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट का इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के क्या क्या चैलेंजेस हैं, रोल ऑफ मीडिया का क्या क्या रोल है, साइबर सिक्योरिटी आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, मनी लॉन्ड्रिंग और उसके प्रिवेंशन, बॉर्डर एरिया का सिक्योरिटी और उसके चैलेंजेस, तो ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है विद टेररिज्म, वेरियस सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, तो ये चीज़ें हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनरल चीज़ें मेंशन है, जो डे टू डे में हम जो न्यूज़ में ही देख के अपने आप को अपडेट करके उनको हम कवर कर सकते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है कि हर एक टॉपिक के लिए, हर एक चीज़ों के लिए आपको कोई अलग से बुक चाहिए या अलग से, ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा सोर्सेस को लिमिटेड रखना है और उस लिमिटेड सोर्स पे आपको वर्क करना है। GS4 पे अब हम आ गए हैं, GS4 डेफिनेटली एथिक्स के नाम से हम इसको जानते हैं, एथिक्स है, इंटीग्रिटी है, एप्टीट्यूड है, थ्योरी की बात करें हम इसमें आपको पता ही डेफिनेटली केस स्टडीज भी होती हैं, तो एथिक्स है, ह्यूमन इंटरफेस जैसे क्या एसेंस है, डिटर्मिनेंट्स है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम हैं, बींग ऑफिसर, बींग इन चार्ज ऑफ सर्टन थिंग, हम किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से हम इम्पार्शल होकर चीज़ों को देखते हैं, अलग अलग क्या क्या डायमेंशंस हैं, पब्लिक और प्राइवेट रिलेशनशिप्स, ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करें, इमोशनल इंटेलिजेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मॉरल थिंकर्स का, फिलोसफर का, पूरी दुनिया में से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमको पता होना चाहिए, किस किस का कैसे कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन है, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रोल, सोशल इन्फ्लुएंस, आज के डेट में सोशल मीडिया कितना ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है आज के डेट में यूथ को या किसी को भी, मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट में अगर कोई चीज़ होती है तो हमको क्या इम्पैक्ट करती है, सोसाइटी को क्या इम्पैक्ट करती है, हमारे कंट्री को क्या इम्पैक्ट करता है, हमको पता होना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स की बात करें, सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड, फाउंडेशन वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, और डेडिकेशन, क्या डेडिकेशन हमारा पब्लिक सर्विसेज में है, वैल्यू, उसके एथिकल कंसर्न्स, और एथिकल कंसर्न्स के साथ साथ जो भी डायलेमाज है गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें हमको, जैसे इन चीज़ों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो डिसीजन मेकिंग पावर है, थिंकिंग पावर है, इन चीज़ों को भी अपने आप की भाई अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है तो हम किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, है ना, ये सोर्सेज, एथिकल गाइडेंस, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से, देखिए बेसिक्स भी हैं एडवांस भी हैं, इट्स जस्ट दैट आप कैसे परसीव कर रहे हैं वैसे हैं, लेकिन सिलेबस सामने रहेगा तो आप चीज़ों को मिस नहीं करेंगे, उसकी हायर चांसेस हैं। अकाउंटेबिलिटी की बात करें, स्ट्रेंथनिंग की बात करें, कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात करें, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी की बात करें, तो ये चीज़ें गवर्नेंस में आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट में, ट्रांसपेरेंसी का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में, कि भैया कोई एक्टिविटी आपको जाननी है किस विभाग में क्या चल रहा है तो आरटीआई के माध्यम से आप वो चीज़ जान सकते हैं। कोड ऑफ एथिक्स की बात करें, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, सिटीजन्स के चार्टर की बात करें, पब्लिक फंड का किस तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है, करप्शन के क्या क्या चैलेंजेस हैं, किस तरीके से उसको इरेडिकेट कर सकते हैं, कितने हम आगे बढ़े हैं या कितने हम पीछे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों का जो हमने डिस्कस किया है उसकी केस स्टडीज़ जो है अबव इश्यूज़ का हमको पता होना चाहिए। ये चीज़ें एथिक्स में पूछते हैं और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जब हम प्री जीएस का पे ध्यान देते हैं उसी समय हम एथिक्स को भी ध्यान देंगे तो हम बहुत अच्छा स्कोर उससे फेच कर सकते हैं। कम समय में जीएस 4 में आप बहुत अच्छा कमांड ले सकते हैं। आपको अपनी थिंकिंग एबिलिटी, अपना परसेप्शन, अपने एटीट्यूड को डेवलप करना पड़ेगा। आपको एक कहते हैं ना, पूर्ण रूप से एटलीस्ट सोचना होगा आपको कि अगर एक ऑफिसर किस तरीके से, मैं एक ऑफिसर हूँ तो किस तरीके से डिसीजन लूँगा, क्या इम्पैक्ट करता है सोसाइटी का बिहेवियर, किस तरीके से मैं उनसे, तो एक कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर है, जो एक कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग को, जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो सारी चीज़ें हैं उसको देखते हुए हमको चलना है। तो ये था जीएस 1-4 जिसको हमने देखा। प्रयास ये किया कि आप इन डेप्थ इन चीज़ों को समझ पाएँ। जिन भी बच्चों को इसका वर्ड का चाहिए, मैं प्रयास करूंगा कि मैं टीम को बोलूंगा कि डिस्क्रिप्शन में इसका एक वर्ड की फाइल बना के दे दें, ताकि जीएस 1-4 आपको प्रिंट निकालना हो तो आपको इतनी सारी स्लाइड्स को स्क्रॉल ना करना पड़े, आप उसका इजीली प्रिंट निकाल पाएँ और प्रिंट निकाल के अपने सामने पेस्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। प्री का जो वीडियो का लिंक है उसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसी नोट पे करते हैं वीडियो क्लोज। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।